सरदार सरोवर डेममांथी पाणी छोड़ाता नर्मदा नदीए 41 फूटनी ऐतिहासिक सपाटी वटावी। अंकलेश्वर, झगड़िया, भरूच अने वागराना अनेक गामों पाणी में गरकाव थया। लोकोना घरों पाणी में गरकाव, ठेर ठेर जनजीवन अस्तव्यस्त। राज्यमां भारे वरसादने पगले गांधीनगरना इमरजन्सी रेस्क्यू सेंटर खाते मळी ताकीदनी बैठक। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले स्थितिनी जाणकारी मेळवी। अनेक स्थळोए सर्जायेली पूरनी स्थिति अने बचावनी कामगीरीनी समीक्षा करवामां आवी। एनडीआरएफ अने अन्य बचाव दळोनी कामगीरी झड़पी बनावाना सूचनो कराया। अत्यार सुधी 11,000थी वधु लोकोनुं स्थळांतर। भारे वरसादने पगले वाहन व्यवहार खोरवायो। समग्र राज्यमां 200थी वधु रस्ताओने कराया बंद। 7 ट्रेनना रूटने टूंकावाया तो 11 ट्रेनोने रद्द करवानी साथे 42 ट्रेनोना रूट कराया डायवर्ट। मुंबई अमदावादने जोड़ती तमाम ट्रेन कराई रद्द। नर्मदा डेममांथी पाणीनी जावक घटता डेमनी सपाटी घटी। कांठे वसता लोकोने राहत। हाल डेमनी सपाटी 138.68 मीटर। उकाई डेमना 16 दरवाजा खोली पाणी छोड़ाता तापीना नदीकांठाना गामोमां एलर्ट। कडाणा डेममांथी पाणी छोड़ाता वडोदराना 45 गामोने एलर्ट। गुजरातनी जीवादोरी समान सरदार सरोवर डेम 100% भराता नहीं रहे पाणीनुं संकट। तो राज्यमां सीझनलो वरसाद 95% पार थयो। जूनागढ़ना विसावदरमां 10 ईंच वरसाद खाबक्यो। पोरबंदर अने द्वारकामां भारे वरसादनी आगाही। 40 दिवस बाद राज्यमां वरसादथी धरतीपुत्रोने राहत। संसदना विशेष सत्रनो आजथी प्रारंभ। आजे जूना संसदमां छेल्लो दिवस। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए आजादीना अमृतकाळ दरमियान लोकशाहीना मंदिर एवा संसदना भव्य इतिहासने गणाव्यो अविस्मरणीय। कह्युं देशना हितमां तमाम निर्णयोनुं साक्षी छे संसद भवन। प्रधानमंत्रीए संसदना 92 वर्षना सौथी वयोवृद्ध सांसदथी मांडीने 25 वर्षना सौथी युवान सांसदने कर्या याद। तो कह्युं कश्मीरमां 370 कलम हटावानो ऐतिहासिक निर्णय माटे संसद भवन बन्युं साक्षी। साथे साथे कोरोना जेवा संघर्षमय समयमां पण सांसदोए देश माटे संसदमां आपेली हाजरीने बिरदावी। આજથી 5-4 પ્રદેશની લોક સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા તરણેતરના ભાતીગળ લોકમેળાનો પ્રારંભ। 24 કલાક ચાલતો ગુજરાતનો આ એકમાત્ર મેળો। સ્થાનિક લોકો સાથે દેશ વિદેશથી લોકો મેળામાં થશે સહભાગી। મેળામાં રાસ, દુહા અને છંદની ઉઠશે ગુંજ। નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના નિવાસ સ્થાન શાંતિનિકેતનને યુનેસ્કોની હેરિટેજ યાદીમાં કરાયું સામેલ। પ્રધાનમંત્રીએ વ્યક્ત કરી ખુશી।